नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाएं एवं विशेषांकों का प्रसारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। क्या आपने भी कभी देखा है कि जब कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है तो आपका हृदय अंदर से बहुत दुखित हो जाता है। आप अपने अंतर मन को संभाल नहीं पाते हैं, किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाता है। आपका हृदय पल पल भीतर से बहुत ज्यादा कुंठित होकर बहुत मन विचलित हो जाता है। मैं जानता हूं आप सब में से बहुत से जनों के साथ ऐसी व्यथा होती है, किसी का दुख हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आज का विशेषांक इसी बात पर ही केंद्रित है। आज आपको इसी विषय पर जानकारी देने के लिए यह विशेषांक हमने तैयार किया है कि महाराज जी का कोई नियम है कि किन भक्तों को महाराज जी चुनते हैं, महाराज जी ऐसे कौन से जनों पर अपनी कृपा करते हैं या किनको एक विशेष कार्य देते हैं। आज का विशेषांक इसी बात पर केंद्रित है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं जिसका दुख अपार है, जिसकी समस्याएं अपार है, जिसका दुख असहनीय है, ऐसे जन को देखकर जब आपका हृदय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, आप चाहते हैं हृदय से कि उसकी सहायता करें, लेकिन ऐसे परिस्थिति में किसी भी कारणवश जब आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं, तो आपका हृदय अंदर से ग्लानीभूत हो जाता है। आप चाहते तो हैं कि उसकी सहायता की जाए, लेकिन किन्हीं कारणों के वश होकर आप उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे जनों के साथ ऐसा अवश्य होता होगा, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सहायतार्थ हेतु भी होकर आप उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम साधन विभूत नहीं हैं, हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम सहायता नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज जी ने सहायता करने की जिम्मेदारी किन लोगों को दी है? आपके पास ऐसे कौन से गुण होते हैं जब महाराज जी आपको स्वयं चुनते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं? वे गुण होते हैं दया के भाव से परिपूर्ण। जी हाँ, पहला नियम, पहली बात यही है कि महाराज जी ऐसे जनों को चुनते हैं जिनके मन के अंदर अपार दया का भाव है। क्योंकि एक मजबूर व्यक्ति की सहायता एक दयावान इंसान ही कर सकता है। जब आप किसी के दुख में दुखी होते हैं, जब आपकी किसी की परेशानी को देखकर स्वयं को रोक नहीं पाते हैं सहायतार्थ हेतु, तो आपके अंदर एक दया का गुण है। आपका हृदय भी दूसरों के दुख को नहीं समझ पा रहा है, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए आप बेशुमार मेहनत करते हैं, सदैव क्रियान्वयन रहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी का भी दुख दुख ना रहे, आपके चलते दूसरों के दुख दूर हो जाएं। आप सदैव इसी असमंजस में लगे रहते हैं तो आप स्वयं को भाग्यवान समझिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता या ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो भी दयावान व्यक्ति है, जो भी दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता है, वह ईश्वर से ना जुड़ा हो। ईश्वर की वह शक्ति और संतों का जो सानिध्य है, वह एक ऐसे बंधन में बंधा रहता है जो परस्पर ऐसे ही लोगों की पुकार करता है जो ईश्वर के कार्य को संपन्न कर सके। तो महाराज जी भी इससे अछूते नहीं है। महाराज जी ऐसे लोगों को तलाश करते हैं, महाराज जी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए सदैव क्रियान्वयन रहते हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आज नहीं तो कल अगर आपके अंदर ऐसा दया का भाव है, आपके अंदर ऐसी भावना है, आप दूसरों के दुख को देख नहीं सकते हैं, तो आप महाराज जी से बिल्कुल दूर नहीं है। आज अभी इसी क्षण में हो सकता है कि महाराज जी आपको स्वयं से जोड़ लें,
अपनी कृपा आपके ऊपर भरपूर बना दें, तो आप जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण हैं कि आप दूसरों के दुख को कभी सहन नहीं कर पाते हैं, भले ही आप उतने सक्षम हो या ना हो, लेकिन भाव की बात हो रही है, यहां पर बात है भावना की। आपके हृदय में अगर ऐसी भावना है कि आप सामर्थ्यवान होते या आप आगे चलकर सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो आप दूसरों के दुखों को निश्चित तौर पर दूर करेंगे, आप उनके दुखों में शामिल होंगे, आप अपना पूरा जीवन उनके दुखों को दूर करने के लिए लगा देंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए, महाराज जी की कृपा आपके ऊपर जल्द ही पहुंचने वाली है। महाराज जी जल्द ही आपको अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने सदैव सदैव ये बात निश्चित तौर पर साबित की है कि जो भी जन दूसरों के हितार्थ जीते हैं, जो अपने जीवन को दूसरों की भलाई के कार्यों में लगाते हैं, महाराज जी उनसे अछूते कभी नहीं रहते। चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, महाराज जी स्वयं ऐसे लोगों से जुड़ते हैं, ऐसे लोगों को खोजते हैं। और अंत में, इस विशेषांक के अंत में आपसे एक बात, महाराज जी का एक अकाट सत्य साझा करना चाहूँगा। महाराज जी का एक वाक्य है, महाराज जी ने कहा है, जो भी लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं, जरूर इसे अवश्य आप सभी सुनिएगा, महाराज जी कहते हैं कि जो भी लोग आज इस जन्म में हमसे जुड़ रहे हैं, वे इस जन्म की बजाय पिछले जन्म से हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए आज किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हमारा जुड़ना उन्हीं लोगों से होता है जो पिछले जन्म में हमारे साथ किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए थे। तो इस वाक्य को आप दोहरा के सुनिएगा, आपको सारी जो चिंताएं हैं, सारे जो भय हैं, वो स्वयं ही छूट जाएंगे, क्योंकि महाराज जी जिसका हाथ एक बार थाम लेते हैं, उसका हाथ जीवन भर नहीं छोड़ते। तो महाराज जी आप पर ढेरों ढेरों अनेकों आशीर्वाद आशीष बनाए, ऐसी कामना के साथ में विदा लेते हैं आज के विशेषांक में। मिलते हैं अगले विशेषांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।